जी मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है और आज हम लोग विधानसभा गांधी प्रतिमा पे हैं और यहाँ पे हमारा 16 दिसंबर से 29 दिसंबर का हर वर्ष एक अभियान चलता है महिला सुरक्षा को लेकर। इस बार का हमारा कार्यक्रम का नाम है रात का उजाला। रात का उजाला नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लड़कियाँ दिन में, वो चाहे पढ़ने वाली लड़की हो या नौकरी करने वाली लड़की हो या कोई महिला काम करने वाली, तो जब हम लोग निकलते हैं तो दिन में तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और बहुत ही सहजता महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही शाम होती है तो हमें डर लगता है, हमारे पेरेंट्स को डर लगता है। तो जैसे दिन में हमें एक उजाला महसूस होता है जब हम निकलते हैं तो एक डर नहीं होता है कि हाँ अगल बगल लोग देख रहे हैं, रात में हम क्यों जब निकलते हैं जैसे ही शाम होती है हमें डर लगता है शाम हो रही है। तो समाज में जैसे हमारे लिए दिन एक कंफर्टेबल जोन महसूस होता है, वैसे रात में भी हमारे लिए जब हम लड़कियां निकले, अगर हम अपने गांव से निकल रहे हैं तो हमें उजाला महसूस होना चाहिए। उसको लेकर के हम लोग ये पूरा 14 दिनों का अभियान चला रहे हैं और आज हम लड़कियां खड़े हैं यहाँ पे 936 फीट का बैनर लेके खड़े हैं और ये जो बैनर स्पेशली 936 को मैं कोट कर रही हूँ, 936 की संख्या है ये हमारे भारत की एनसीईआरटी की रिपोर्ट। कितनी लड़कियां और करीबन हमारे ग्रुप में 80 लड़कियां अभी हम लोग यहां पे हैं और जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट बता रही है भारत में 936 महिलाओं के साथ यानी कि 936 डांडियां रोज शिकार हो रही है, ये हमारे भारत का आंकड़ा बता रहा है। तो समाज में ये जो 936 का आंकड़ा है ये तो रिकॉर्डेड है और अनरिकॉर्डेड तो बहुत सारे केस होते हैं, तो उस पे कैसे अंकुश लगे, समाज का क्या रोल होना चाहिए, प्रशासन अगर है तो उसका क्या रोल होना चाहिए, वो अपना काम कैसे कर सके, इसको लेकर के हम लड़कियां यहाँ पे खड़े हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि अब 936 से 937 मत करो और उससे कम इसकी संख्या करो। आज हमारा 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम ये है कि हम 936 फिट का बैनर लेकर हम लड़कियां यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं और दूसरा कार्यक्रम ये है कि हम लोग आज 3 जगह से मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। एक यात्रा जो निकल रही है रानी अवंतीबाई लोधी से निकल रही है जो कि लक्ष्मी विश्वकर्मा लेके निकल रहे हैं 20 लड़कियों के साथ। दूसरी यात्रा निकल रही है बेगम हजरत महल पार्क से जो कि आफरीन खान उसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, लीड कर रही हैं। और तीसरी यात्रा निकल रही है हमारी उदा देवी से और जो कि वहाँ से 2 लड़कियाँ लीड कर रही हैं 20 लड़कियों के साथ। पूजा भारती सब कहाँ पे जाएंगे सारे? ये तीनों लड़कियाँ निकलेंगी अपनी अपनी जगह से और हलवासिया पे तीनों एक होंगी, एक पूरा ग्रुप होगी और वहाँ से हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग पे भी हमारा एक अभियान चल रहा है एक चाय महिला सम्मान में, वहाँ पर होते हुए ये गांधी प्रतिमा पे हम लोग उसका समापन करेंगे। और जो हमारी चाय पे चर्चा मल्टी लेवल पार्किंग पे चल रही है जो 14 दिनों में हमने जो उससे पैसा इकट्ठा किया है एक कप चाय दे करके महिला सम्मान में, तो उससे हम 2 लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम आज हम लोग उसका समापन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।